सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, तो सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, चलिए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप सभी को पहले करना है क्या, पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को ओपन कर लेने के बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है, ठीक है? तो गाइस, मेरे मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है। एंड आप सभी को अगर मॉडल का बैकग्राउंड इरेज करना नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहाँ से सिंपली देख के बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, ठीक है? तो गाइस, मैं यहाँ पे मॉडल को ले आया हूँ। तो मॉडल को लाने के बाद गाइस, मेरे को इस टाइप के आप सभी को अपने मॉडल को लगा लेना है। एंड मॉडल को लगा लेने के बाद आप सभी को जो अगला स्टेप है जो क्या करना है, पहले आप सभी को इसको जो है गाइस, आपका मॉडल जो आप थोड़ा ध्यान रखना कि आपका जो मॉडल नीचे की तरफ थोड़ा डाउन हो। एंड आप सभी को इस तरीके से लगाने के बाद डन कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को जाना इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को ये सबसे जो थर्ड वाला ऑप्शन है ब्लर का लास्ट स्टार्टिंग ये वाला, इसको आप सभी को लेना है, ठीक है? एंड आप इसके ब्लर को जो है मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है? तो जो ब्लर की जो ओपेसिटी इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कम ज़्यादा करके भी, बाकी आप इसको 28 के आसपास या 22 के आसपास रखना, बाकी आप सभी को उसको डन कर देना है, ठीक है? फिर उसके बाद आप सभी को लगाना है एक पार्टिकल का पीएनजी, ठीक है? तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वो भी डाउनलोड कर लेना। तो उसको ले लेने के बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी पहले इसका ब्लेंडिंग मोड जो स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को सिंपली इसको जूम करना है एंड आपको फुल स्क्रीन कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो ऐसे कर देने के बाद आप सभी को जो करना है, आप सभी को जो इसका ओपेसिटी को कम करना है, एंड जो ओपेसिटी आपको कम ही रखनी है, ठीक है? तो उसको कम रख देने के बाद आप सभी को आगे करना क्या है, आप सभी को यहाँ से सिंपली डन कर देना है, ठीक है? तो हमारे यहाँ तक का काम हो चुका है। तो अब उसके बाद हमें जाना है यहाँ से सिंपली, हम चलेंगे ड्रॉ टूल के अंदर, ठीक है? ड्रॉ टूल में जाने के बाद आप सभी को नीचे दिख रहा होगा हमें क्या काम करना है नीचे, कि जो आपको दिख रहा होगा ऑरेंज ऑरेंज सा जो फायर आ रहा है, हम इसका जो रिफ्लेक्शन अपने ऊपर लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐसे कलर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रश में जाएंगे, ठीक है? ब्रश में जाने के बाद जो इसकी ओपेसिटी को हम इतनी रख देंगे एंड फुल कर देंगे साइज़ को। एंड इसको फुल कर देने के बाद आप सभी को सिंपली इस तरीके से यहाँ यहाँ पर पेंट कर देना है, ठीक है? और जो इसका ब्लेंडिंग मोड है, हम एक ही ब्लेंडिंग मोड को चेक करेंगे एंड लाइटन एंड मल्टीप्लाई वाले, इन दोनों में से जो बेस्ट होगा हम उसको ले लेंगे, ठीक है? तो ओवरले पहले करते हैं। तो ओवरले में हमें दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम अब क्या करेंगे, हम ले लेंगे हम लाइटन वाला, ठीक है? तो लाइटन वाला ले लेंगे एंड उसके बाद जो इसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा सी लग रही थी उसको कम कर लेंगे हम, ठीक है? इस तरीके से। एंड यहाँ पे हमारे देखो फोटो यहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो उसके बाद जो अभी हमें ये थोड़ा काम और रहता है अभी हमारा, ठीक है? तो उसका जाएंगे हम टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद जाएंगे हम एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद हम इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे एंड इन्वर्ट कर देंगे एंड ब्रश को लेके, ठीक है? इस ब्रश को लेने के बाद आपसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है? इसी जगह पे आपको पेंट कर देना है, ठीक है? एंड यहाँ पे पेंट कर देने के बाद आके आप सभी को करना क्या है, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो आप सभी को पहले इसको यहाँ से डन कर देना है एंड उसके बाद जो इसकी ओपेसिटी को आप सबको कम रखनी है, ठीक है? और यहाँ से सिंपली डन कर देना है। एंड जो है हमारे यहाँ पे, तो जो दोबारा से एडजस्ट में जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को इसको लाइट को जो कम कर देना है, ब्रश में जाके आप सभी को नीचे की तरफ ब्लैक ब्लैक ऐसे डार्क करना, ठीक है? एंड जो इसकी ओपेसिटी आप सभी को कम थोड़ी और कर देनी डाउन। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है इसके इसको सेव कर लेना है एंड इसका कलर करेक्शन है जो कि हम लाइट रूम ऐप के अंदर करते हैं। तो यहाँ से हम फोटो को सेव कर लिया हमने, तो अब लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेते हैं, ठीक है? लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेते हैं गाइस। जब तक लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, अगर यार अब तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। और यार आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यार मैं आप सभी के लिए ऐसे अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, हमारी जो फोटो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस फोटो को ओपन करेंगे। सिंपली ओपन कर लेने के बाद आप सभी को यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसके लाइट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है एंड जो हाईलाइट है उसको भी बढ़ा देना है, शेडो को भी कम कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद वाइट को बढ़ा देना है और ब्लैक को कम कर देना है, ठीक है? एंड उसका जाना नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड जो मिक्स में जाना है एंड उसका ऑरेंज कलर के सैचुरेशन को माइनस करना है, येलो कलर के ह्यू को माइनस करना है और जो ब्लू कलर के सैचुरेशन को माइनस कर देना है एंड ब्लू कलर के सैचुरेशन को दोनों को माइनस कर देना है एंड कर देना है डन। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, फोटो की क्लियरिटी को आप सभी को बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विग्नेट है वो हल्का सा डालना है, ठीक है? एंड उसके बाद आप ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है एंड जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में। एंड उसके बाद आपको शार्पनेस को बढ़ा देना है, ठीक है? एंड नोड रिडक्शन को भी बढ़ा देना है एंड जो कलर नोड रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है गाइस? तो यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है। तो हमारा आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।